सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच नवा टॉपिक शुरू किया अलजेब्रे दा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसिस। अज एक नुमेरिकल करवाना है, एक थीरम करवानी है, जिहड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। पहला जो नुमेरिकल करवाना है पिछले कुछ नवा कंसैप्ट आऊगा, वो नुमेरिकल स्टेटमेंट देख लो। लैट टी आर स्केयर टू आर स्केयर को ट्रांसमिशन जा रही है, डिफाइंड बाय इमेजेस गिवन है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर वाई एक्स प्लस फाइव वाई। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी वन थ्री टू फाइव। एक तो बेसिस फाइंड करने वास्ते, मैट्रिक्स फाइंड करने वास्ते इन्हें पिछले लास्ट लैक्चर किया से उवें ही आ। एक नवी चीज नाल आ गई, वेरीफाई दैट टी बी वी बी इज इक्वल टू टी वी बी। जो टी बी तो पढ़िया से मैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी कहने है, हुण वी बी की होंगे, टी वी बी की होंगे, ये इक्वल किवें होणगे, ये नुमेरिकल प्रूव करना आपने, तो यही आप थ्योरम प्रूव करनी है। तो थ्योरम बाद करा आप नुमेरिकल देख लो किवें। तो मैं स्टार्ट कर रहा, पहला टी बी लभना आपने, ट्रांसफॉर्मेशन आर स्केयर टू आर स्केयर जा रही है, तो जो टी एक्स वाई है दिता हुआ अपन थ्री एक्स माइनस फोर वाई एक्स प्लस फाइव वाई दिता है, तो बी अपन बेसिस दिता है जी वन थ्री टू फाइव। पहला वांग टी बी कि लगे आप बेसिस एलीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कटा, बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। आप जो बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो पहला आप जनरल बना के रख लवेंगे। लैट कर लो चलो कोई भी एक्स वाई जनरल एलीमेंट है, इनू आप अल्फा वन थ्री बीटा टू फाइव लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया जी। ये आ गया अल्फा प्लस टू बीटा थ्री अल्फा प्लस फाइव बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस टू बीटा एक्स आ गया जी, थ्री अल्फा प्लस फाइव बीटा वाई आ गया। इन मैट्रिक्स फॉर्म च पा लें आप वन टू थ्री फाइव अल्फा बीटा एक्स वाई। फिर आर टू ते ऑपरेट करता जी अपने आर टू माइनस थ्री आर वन, तो यह मैट्रिक्स बन गया अपने कोल वन टू जीरो, ये माइनस वन आ जाएगा जी, अल्फा बीटा इतने आ जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री एक्स। देयर इक्वेशंस बन गई, अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री एक्स, तो बीटा आ गया थ्री एक्स माइनस वाई, देयर अल्फा आ जाएगा जी थ्री सिक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई। देयर एक्स वाई नू आपां लिख सकते हैं अल्फा फाइव एक्स प्लस टू वाई इंटू वन थ्री, अगे है थ्री एक्स माइनस वाई इंटू टू वाई। अल्फा बीटा जिस तरह मैं सॉल्व कर लवो, मैट्रिक्स का तरीका ज़्यादा वधिया होंगे वैसे। तो ये अपने कोल वैल्यू आ गई जी, हुण ये पहला कट के रख लईदा होंगे है कि वैल्यू अगे यूज कर सकी आप। हुण इस तों बाद ट्रांसफॉर्मेशन कटांगे आपां, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन थ्री, एक्स वन भरता वाई थ्री भरता, थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, वन थ्री वन प्लस सिक्सटीन वन प्लस फिफ्टीन सिक्सटीन। हुण ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इतों देख के लीनियर कॉम्बिनेशन सौखा बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन सौखा बन जाएगा। हुण जी ये एक्स भरता आपने, ये आ गया फोर्टी फाइव माइनस नाइन, वाई भरिया अपने सिक्सटीन थर्टी टू वन कॉमा थ्री, एक्स भरिया अपना
-27 -16 2.5 77 13 -42 2.5 Also फिर आपका कटा टी 2.5 ट्रांसमिशन 2.5 आ गई 2 पर 6 -20 -14 2 +25 27 हूँ x हो गया अपने को -14 70 +54 13 +42 -42 -27 25 ये आ गया 124 13 -69 25 मैं इधर ये रब कर रहा इस तो बाद therefore मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b जो है इन्हों लिख सकते हैं अपन जेडे स्केलर स्केलर्स आए ने उन्हें एक मैट्रिक्स पा लेना अपन ने ते ओदा ट्रांसपोज कर लेना जी ए आ गया 77 124 -42 -69 ये अपना और तक काम कराना सी हुण अगे दो टर्मा होर कहीआं आपां ए जिहड़ी इक्वेशन है ये वेरीफाई करनी है वी बी इज इक्वल टू टी वी बी ये वेरीफाई करने वास्ते क्या वेरीफाई आपां तां कर पावांगे जे आपां तिन्नां दी वैल्यू पता होगी फिर ये दो मल्टीप्लाई कर लवांगे ये चैक कर लवांगे आंसर इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा हुण ये वैल्यू तां कढ़ ली आपां ये वैल्यूज किवें कढ़नी है देखनी आपां ने ओ देखो वी जो है वैसे मैनशन नहीं किया है ये अंडरस्टूड जिदी आप ट्रांसफॉर्मेशन कढ़ांगे जिस एलीमेंट की वह डोमेन च होगा डोमेन च होगा मतलब वी जो है अपने को आर स्केयर दे विच होगा वी जो है वह आर स्केयर दे विच होगा जी ये अंडरस्टूड तो वी जनरल एलीमेंट होगा आर स्केयर विचों वी जो है वह जनरल एलीमेंट होएगा डोमेन चो आर स्केयर दे विचों तो इतों कर रहे शुरू अगे है कम सौखा ही है आ वी बी कढ़ना आप एक टी वी बी कढ़ना है तो बाद कर रहे अगे लैट कर लिया वी जनरल एलीमेंट लेना है आप डोमेन चो टू डी विच एक्स वाई लवेंगे तो है किवें वो देखो मैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ वी विद रिस्पैक्ट टू बेसिस बी ए किवें आ कि यह एलीमेंट नू बेसिस दा लीनियर कंबीनेशन बनावांगे स्केलर नू आपां इक मैट्रिक्स पावांगे और ट्रांसपोज करांगे फिर आ बनेगा बिल्कुल सेम इदां ही आ दोबारा बोल रहा मैं वी एलीमेंट नू बेसिस दा लीनियर कंबीनेशन बनावांगे पहला जिहड़े मूहरले स्केलर आउणगे स्केलर नू इक मैट्रिक्स पा के ट्रांसपोज कर देंगे आ च ही बन जाएगा मतलब हुण इह काम सौखा इहदे विच क्यों इहनू लीनियर कंबीनेशन दा पहला बना चुके आपां बनया पाया था इतने काम सौखा हो जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा दोबारा आप 5x प्लस 2y 1.3 प्लस 3x माइनस वाई 2.5 देयरफोर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कि बनेगी जेडे मूल स्केलर्स ने इन्हों का मैट्रिक्स पा के ट्रांसपोज कर देवे ये आ जाएगा -5x प्लस 2y 3x माइनस वाई सिंपल ही काम है जी मतलब यही पहला कटे ही होगा अपने वी बी की होगा जोड़ा वी ना बेसर इन्हें कॉम्बिनेशन बनाया है वो स्केलर्स लैके बिल्कुल सेम मैट्रिक्स पा के ट्रांसपोज कर लेना यह वी बी होगा हूँ टी वी बी की होगा उद ही है जी वी की ट्रांसमिशन कटा उन्होंने बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन बनावांगे फिर स्केलर नूं मैट्रिक्स पा के आप ट्रांसपोज करांगे वो देखो किवें इस तो बाद मैं इधर लिख रहा नाओ इस तो बाद टी वी वी की वैल्यू आ मनी हुई है पहले ट्रांसफॉर्मेशन कटांगे तो कटी हुई है दिती गिवन ही है उस तो बाद हुण इहनूं बनाउणा है आपां ने बेसिस दे एलीमेंट्स का लीनियर कॉम्बीनेशन मतलब इहनूं लिखना किवें लिखना यह काम सौखा ही है जी
यूनिफॉर्म जनरल यूनिफॉर्म मिशन बनाया गया था, जनरल यूनिफॉर्म मिशन बनी है बस एक्स नूं की भर देंगे 3x-y ते वाई नूं की भर देंगे आप x+5 बाई यूनिफॉर्म जिवें आपां कीता सीगा जिवें t1 3 मान लो 2 4 आ गया इन यूनिफॉर्म मिशन किदां बनावांगे एक्स नूं 2 भरता वाई नूं 4 भरता इहदे विच तां कन्फ्यूज नहीं होना इसी प्रकार इहनूं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाउणा आपां ए एक्स हो गया सारा वाई हो गया ए च भर देना आपां इह लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा मतलब -5x ए एक्स है जी +2y (1, 3) +3x(-y) (2, 5) इन सॉल्व कर लेना है जी ये आ जाएगा अपने को -15 + 2 - 13 + 20 + 10 - 13x बाकी ध्यान ना सॉल्व कर लियो 20 + 10 30y (1, 3) - 9 + 1 (8x - 12 - 5 - 17y) (2, y) therefore जो टी वी बी है जी मैट्रिक रिप्रजेंटेशन है वह बनेगी स्केलर 13x + 30y अगे 8x - 17y का ट्रांसपोज ये आ जाएगी -13x + 30y 8x - 17y ये ट्रांसपोज आ जाए मैं काम सारा सौखा ही है ये तो दोनों सौखे ने टी वी बी बी तो टी वी बी हूँ सारा कुछ निकल गया हूँ आ दो मल्टीप्लाई करा चैक करा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मल्टीप्लाई करने लगे कंसीडर किया आपने टी बी 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 ये आ गया 77 124 -42 - 69 वी बी ये हैगा अपने को -5x + 2y (3x - y) बस इन मल्टीप्लाई करना ही अपने 77 5 375 + 150 4y (124 × 3) किता 3 372 x + -124 y अगला किता आप इस तो बाद 50 10 - +210 आ गया -84 y - 1 7 8 27 207 +69 y इन सॉल्व कर लवेंगे ये आ जाएगा अपने को -3x + 30y नीचे आ गया 3x - 15y चलो हम अपना कन्फर्म भी हो जाएगा जी कि आप सही किया गलत किया है जे तो दोनों साइडा बराबर होनी चाहिए जो दोनों साइडा इक्वल आ रही फिर तो अपना सही है कुछ हूँ इस केस दोनों साइडा मैच नहीं हो रही है जो दोनों साइड मैच नहीं हो रही है तो इस कुछ गलती है
वह गलती आप चेक करनी है। वो गलती पिछे चेक कर लियो, इतने 43 आना सी जी, चेक कर लियो, ये गलती है जी 43। यदा फायदा यही होंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन का, जे तो बराबर आ गए फिर तो बिल्कुल सही है, जो बराबर नहीं है तो फिर गलत आ, फिर आप गलती चेक करनी होंगी है। ये 43 आऊगा चेक कर लियो, हूँ 43 आप मल्टीप्लाई किया पहला माइनस 77 124 माइनस 43 फिर मैं मल्टीप्लाई होगा जी 5215 प्लस हो गया अगे 9 ठीक सी 207 ये 4386 बनी। चलो देख लो ए आ गया अपने को 17, ए आ गया 8, एक रह गया एक आ नहीं मैच हो रहा है चेक कर लाने आप 372 पहला 77 मल्टीप्लाई किया 35 385 होना सी इदा फिर गलती चेक हो जाएगी जे अपना सही नहीं आ रहा है तो हूँ इधर बराबर मैच हो गया फिर अपना सारा क्वेश्चन सही है क्योंकि आप कल्ला ये नहीं चेक कर सकते कि टी बी सही निकलिया कि नहीं निकलिया पर इस को जो क्वेश्चन पेपर प्रूव करने वास्ते आते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी पेपर प्रूव करने वास्ते आएगा तेरा फायदा यही है जे मैच हो गई फिर तो सही है अपना जो नहीं मैच हो फिर आप कहेंगे नहीं सही है दे फिर आप कहेंगे कि दोनों एक ने इस बारे लिख लेंगे इस बार चलो ठीक है जी चलो अगर थ्योरम प्रूव करनी है आप ही थ्योरम है कि ये स्टेटमेंट तुसी देख लो लेट पी मैपिंग फ्रॉम बी टू वी बी अ लीनियर ऑपरेटर वेयर वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ सपोज बी इज इक्वल टू वी वन टू वी एन बी बेसिस ऑफ वी एफ प्रूव दैट For any vector v belongs to v, tb vb is equals to tvb. For any vector v belongs to capital V. ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਟੀ ਬੀ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਥਿਊਰਮ ਸਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਬੀ ਵਨ ਬੀ ਟੂ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਬੀ ਐਨ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਆ ਆਫ ਵੀ ਓਵਰ ਫੀਲਡ ਐਫ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ Therefore, V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਬੀਟਾ ਵਨ ਵੀ ਵਨ ਬੀਟਾ ਟੂ ਵੀ ਟੂ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਬੀਟਾ ਐਨ ਵੀ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਵੀ ਬੀ ਟੀ ਵੀ ਬੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇਅਰ ਬੀਟਾ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਫੀਲਡ ਵਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀ
मैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ वी विद रिस्पैक्ट टू वी की होगी, जेडे बीटा वन बीटा टू अप टू सो ऑन बीटा एन तक ने, ये आना सी बीटा वन बीटा टू अप टू सो ऑन बीटा एन। ये तो आज ही बन गई अपने को। हुण ये किवें कढ़दे हुंदे आपां वी बी टी बी, यह हुंदा हैगा कि बेसिस दे एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो बेसिस का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना आपां। वो देखो नाओ आ वी वन तो लैके वी एन सारे वी च होणगे, बेसिस एलीमेंट सारे वी विच होए ने, तां जिहड़े टी वी वन टी वी टू अप टू सोन टी वी एन ने, यह एलीमेंट यह भी पक्का वी च ही आउणगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह वी तो वी जा रही है, वी दे एलीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वी विच ही आ, तां इहदा बेसिस की आही बेसिस आ। तो इन्हों एलीमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, कि लैट कर रहे हैं कि लैट कर लो जिहड़ा टी वी वन है, यह है मैं लिखना तरीका ही है अल्फा वन वन वी वन अल्फा टू वन वी टू अप टू सोन अल्फा एन वन वी एन, तो टी वी टू लिया अल्फा वन टू वी वन अल्फा टू टू वी टू अल्फा एन टू वी अप टू सोन टी वी एन आ गया अल्फा वन एन वी वी वन अल्फा टू एन वी टू अप टू सोन अल्फा एन एन वी। हम स्केलर मने कि अपने वो देख लो, मैं लिख रहा जी वेयर अल्फा आई जे सारे फील्ड विच ने, एक तो लैके एन तक जा रहा, जे भी खुद के अंदर जा रहे, अल्फा वन वन अल्फा टू वन सारे फील्ड विच ने। हुणे मन्ने की मैंने आपां इत्थे अल्फा वन वन लै लिया, ये अगे लग जाएगा पता कि कितना मन्नने आपां ने। इहनूं जनरल लिखिया आपां ने हेयर, जिहड़ा टी वी जे होगा जनरल, जनरल दे विच की होगा जिवें वन वास्ते गौर देखो पिछला सेम रह रहा, वन वास्ते पिछे वन आ पिछे वन आ पिछे वन, टू वास्ते पिछे टू आ पिछे टू आ पिछे टू आ, उमें जे जे वी जे लवेंगे तो सिर्फ पिछे वाला सेम रह रहा, अल्फा वन जे अल्फा टू जे अप टू सो ऑन अल्फा एन जे वी एन। ये जनरल बना रहा क्योंकि वन वास्ते पिछे वन आ रहा, टू वास्ते पिछे टू आ रहा, एन वास्ते पिछे एन आ रहा, जनरल बना रहे लोड पैनी तो बनाया अपन। इन समेशन फॉर्म से भी लिख सकते हैं आई गोस फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई जे वी आई, ये गल्ला समझ के करनी सारी। चेंज की हो रहा वन वन आ रहा, जे तो सेम रह रहा, जे नू जे रखिया, तो चेंज एक तो मूनला चेंज हो रहा है अल्फा का, एक वी आला चेंज हो रहा जिहड़े नाल नीचे आपां सुफिक्स पाए ने, सुफिक्स पाए ने। तब समेशन खोलेंगे पहला अल्फा वन जे वी वन आऊगा, फिर अल्फा टू जे वी टू आएगा, सोने बन जाएगा, ये लोड पेगी तां कढ़िया आपने। जो देखो कि आपां स्केलर इदां क्यों मन्नणे ना, वो देखना मैट्रिक रिप्रजेंटेशन किदां बनेगी, ये हुंदी हैगी आ जिन्ने भी स्केलरस ने उन्हां सारिआं नूं एक मैट्रिक्स च पा के ट्रांसपोज करना, स्केलर सारे एक मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज कर ले, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया अल्फा वन वन अल्फा वन टू अप टू सोन अल्फा वन एन अल्फा टू वन अल्फा टू टू अल्फा टू एन, ये आ गया अल्फा एन वन अल्फा एन टू अल्फा एन एन, ये वैल्यू बन गई। हूँ स्केलर इतना क्यों मन्ने है ने, क्योंकि जो मैट्रिक्स होंदा है जो प्लस टू याद हो, मैट्रिक्स हमेशा जनरल मैट्रिक्स इस फॉर्म का होंदा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ, ए फर्स्ट रो सैकंड कॉलम हैगी, ए फर्स्ट रो एनथ कॉलम आ,
ये सैकेंड रो फस्ट कॉलम आ, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम इदा है। फिर उल्टे क्यों मनने? वैसे आप इतने इतने अल्फा वन वन अल्फा वन टू अल्फा वन एंड क्यों नहीं मनने? ये तो नहीं मनने, पता सीगा कि बाद आप ट्रांसपोज करना, जो ट्रांसपोज करना कि ट्रांसपोज करके सीधा आ जाए तो आप इदा मनने, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जित कॉन्सटेंट जिहड़े मर्जी मनो, जिस तरह मर्जी मनो, कोई फर्क नहीं पैंदा है। ये तो इदा मान ले कि आप छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स इस फॉर्म का होंगे है, बाकी कोई फर्क नहीं पैदा। जिस तरह मर्जी कॉन्सटेंट मान लो, चाहे अल्फा वन वन अल्फा वन टू ले लो, कोई फर्क नहीं पैदा। तो ये टी वी निकल गया, वी भी निकल गया, हूँ टी वी वी करना अपने। देखो मैं वी भी ध्यान रखिए, मैं रब कर रहा हूं। ये नंबरिंग वन पाली लोड पैनी है अपन। आलसो वॉर्मा देखो, जेड़ा टी वी है, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ अपन। जनरल एलीमेंट, जनरल एलीमेंट आप सपोज किया जी, ए सीगा बीटा वन वी वन, बीटा टू वी टू, बीटा एन वी एन। बाकी स्टेप चेक करिए, ये आ गया टी समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, ये बन गया जी बीटा आई वी आई। चाहे मैं उसे चेंज करने वास्ते जे लिया रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। चलो ये जान के लिया जी, बाकी लग जाएगा पता। गल तो वही है, वन भरेंगे बीटा वन वी वन, बीटा टू वी टू, यही चीज़ बन जाएगी सारी। हुण ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर आ, लीनियर मतलब की हैगा कि आपां इहनूं अंदर लैके जा सकते हैं। पिछे पढ़िया होया आपां ने, बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो हूँ जे सिंबल क्यों लिया सी, हूँ लग गया पता, लिया कोई भी सकते हैं। जे सिंबल तां लिया बिकॉज टी वी जे पता आपां, पहली वैल्यू भरती है अपने समेशन जे गोस फ्रॉम वन टू एन, बीटा जे समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, अल्फा आई जे वी आई। टर्म सारी इकट्ठिया कर लिया, मतलब समेशन जे गोस फ्रॉम वन टू एन, समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, बीटा जे अल्फा आई जे वी आई। ये कोई फर्क नहीं पैदा है, जिस तरह मर्जी कर लो। तो हम करके रहे हैं इस केस दे विच, ये कोई फर्क, बीटा जे चाहे अंदर पालो चाहे बाहर पालो, क्योंकि ये समेशन जेड़ा आई उपर इहदा कॉन्सटेंट ये जे है, समेशन आई उपर आई नूं वन भरना, जे का कुछ नहीं होगा, तो जे बाहर भी कट सकते हैं, अंदर भी पा सकते हैं। हुण इहदे च नवां स्टैप, अगे स्टैप की हैगा कि ये समेशन आप इंटरचेंज करते रहो, इदा कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लो। पहले आई वास्ते ऐड कर लो, फिर जे वास्ते ऐड कर लो, चाहे पहले जे वास्ते कर लो, बाद आई वास्ते कर लो, फर्क नहीं पैदा होता। मैं इधर लिखे तो ए बन गया इज इक्वल टू समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, समेशन जे गोस फ्रॉम वन टू एन, बीटा जे अल्फा आई जे वी आई। उन्हें समेशन जे ऊपर इस समेशन अगे पिछे कितने ने, तो आई तो कॉन्सटेंट ही हो गया, कॉन्सटेंट मतलब फिर मैं इदा पा लेना समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, समेशन जे गोस फ्रॉम वन टू एन, बीटा जे अल्फा आई जे इदा पा लिया, इन वी आई पा लिया। ये फर्क कोई नहीं पैदा है, जे समेशन वास्ते आई जे वेरी कराना, आई नहीं वेरी कराना, तो कॉन्सटेंट आ, चाहे इतने पा लो चाहे मैं साइड पर पा लिया पिछले। हुण जे खोलना अपने, बस समेशन इंटरचेंज करने, फिर हुण आ समेशन खोलो, ये बन जाएगा समेशन आई गोस फ्रॉम वन टू एन, पहला आ गया बीटा वन अल्फा आई वन, फिर आ गया बीटा टू अल्फा आई टू, ध्यान ना खोलना जी, बीटा एन अल्फा आई एन, ये आ गया। हुण समेशन आई वास्ते खोल दो, मैं खोल रहा, देखो पहला आई वन भरिया, बीटा वन अल्फा वन वन, अगे बीटा टू अल्फा वन टू, फिर बीटा एन अल्फा वन एन,
वी वन ये पहला आ गया प्लस फिर टू वास्ते किता आपां बीटा वन अल्फा टू वन बीटा टू अल्फा टू टू बीटा एन अल्फा टू एन वी टू फिर अखीर दे विच आई नू एन भरिया बीटा वन अल्फा एन वन बीटा टू अल्फा एन टू बीटा एन अल्फा एन ये है की है ये किता की है अपने ये टीवी सी ट्रांसफॉर्मेशन सारी ये वी दी ट्रांसफॉर्मेशन अपने बेसिस दे एलीमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया पहला स्केलर आह आया दूजा स्केलर आह आया तीजा स्केलर आह आया हुण की करना है तो टी वी बी ये की बनूगा देयरफोर टी वी बी ये होएगा ये स्केलर एक मैट्रिक्स पावांगे उसका ट्रांसपोज लवांगे मैं सीधा ट्रांसपोज ले रहा जो ट्रांसपोज लवांगे तो पहला एलीमेंट बीटा वन अल्फा वन वन बीटा टू अल्फा वन टू बीटा एन अल्फा वन एन ट्रांसपोज ले रहा जी ये छे एलीमेंट आ जाएगा ये सीधा ट्रांसपोज लिया चेक कर लियो ये अल्फा टू टू आ गया अगला आ गया बीटा एन अल्फा टू एन अप टू सॉन्ग ये आ गया बीटा वन अल्फा एन वन बीटा टू अल्फा एन टू बीटा एन अल्फा एन एन ये हुण शो की करना आपने टी वी बी ये कि बराबर होएगा टी बी 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 यही इक्वल शो करना गौर देखो कि ए मैट्रिक्स में आप इदा लिख सकते हैं अल्फा वन वन अल्फा वन टू अप टू सोन अल्फा वन एन अल्फा टू वन अल्फा टू टू अल्फा टू एन अप टू सोन अल्फा एन वन अल्फा एन टू अल्फा एन एन इंटू बीटा वन बीटा टू बीटा एन सीधा स्टेप लिख लिया ये मल्टीप्लाई करके देख लो मल्टीप्लाई किवें करना होंदा इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करना पैणा चेक कर लो आही चीज़ बनेगी बीटा वन अल्फा वन वन अगे आऊगा बीटा टू अल्फा वन टू अखीर च आऊगा बीटा एन अल्फा वन एन अगला एलीमेंट आऊगा इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे ये भी आई टर्म बनेगी ये भी आई टर्म बनेगी इदा क्यों किया ये लग गया होना पता जी जी पहली एंट्री है पहला मैट्रिक्स हैगा ये टी बी है लिखा है अपना पहला मैट्रिक्स जो है वह टी बी है तो दूजा मैट्रिक्स जो है वह बी बी तो देयरफोर अपने कोल टी वी बी इज इक्वल टू टी बी इंटू वी बी आ गया ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी यही एक्सरसाइज एक ही मेन थ्योरम है बस ये पर बेस्ड न्यूमेरिकल ने यह सारी एक्सरसाइज ट्राई कर लियो जी कोई प्रॉब्लम हो पुछ लियो कम ट्राई कर लियो तो जेडे क्वेश्चन जिमें आप अच्छ क्वेश्चन किया है पहला स्टार्टिंग दे जिस वेरीफाई करने वास्ते कहा गया कि यह वेरीफाई करो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम पुछ लियो जी थैंक यू।